नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों ने व्यापारी का लूटा मोबाइल, व्यापारी के खाते से उड़ाए 5,29,000। टाइगर ने नीलगाय का किया शिकार, गांव ततारपुर रायपुर में मिले पगमार्क। चोरों ने किशनगढ़ बांस मंडी में 3 दुकानों के तोड़े ताले, लाखों रुपए की हुई चोरी। ग्रामीणों के सहयोग से एटीएम बदलकर ठगी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार, 45 एटीएम कार्ड और 1 कार की जब्त। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपकरण स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में विश्वविद्यालय परीक्षा और विद्यार्थियों की तैयारी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षाविद, लेखक एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर डी आर शर्मा ने कहा कि परीक्षार्थियों के द्वारा अपने उन सभी कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए जो अधिक चुनौतीपूर्ण लगते हैं, क्योंकि इनमें सबसे अधिक समय और प्रयासों की आवश्यकता होती है। उन सभी कार्यों की सूची निर्धारित करें जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप शुरुआत करें, कुछ मिनटों के लिए मौन बैठे और स्वयं को तैयार करें। अपने दिमाग को उन सभी संभावित तनावों से मुक्त रखें जो आपकी उत्पादकता को बाधित कर सकते हैं। फिर अपनी पढ़ाई में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें और जो भी पढ़े उसे मन लगाकर पढ़े। परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय उसे भली प्रकार अध्ययन करें और सोच समझकर किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। जल्दबाजी में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा, सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, सीमा जांगिड, मनीषा यादव, दिव्या सैनी, उपासना शर्मा, प्रिया सैनी, निशा सैनी, पिंकी बाई, अंजू कश्यप, मधुबाला, मनीषा चौधरी एवं वर्षा चौधरी सहित अनेक छात्राओं के द्वारा अध्ययन और परीक्षा तैयारी विषय पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। गोविंदगढ़ कस्बे के एक व्यापारी के खाते से 5,00,000 रुपए साफ हो गए। पीड़ित के पास ना तो ओटीपी आया, ना ही कोई नोटिफिकेशन और खाता खाली हो गया। पीड़ित ने गोविंदगढ़ थाने में शुक्रवार की रात मामला दर्ज कराया है। ठगी के शिकार कालीचरण सोनी ने बताया कि 27 जनवरी को कुंडा मंदिर के पास समीप से मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोग उसका फोन छीनकर ले गए थे, जिनका उन्होंने कुछ दूरी तक पीछा भी किया, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग रामगढ़ रोड पर तेजी से निकल गए, जिसके बाद पीड़ित ने 28 जनवरी को सिम को बंद करवाकर 29 जनवरी को सिम निकलवा ली। मोबाइल लूट की रिपोर्ट व्यापारी कालीचरण सोनी ने ई मित्र के माध्यम से 28 जनवरी को ऑनलाइन दर्ज करवाई थी। शुक्रवार शाम उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने फोन के माध्यम से खाते में पैसे डाले तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। जब व्यापारी ने एटीएम पर खाता चेक किया तो खाते में 400 के करीब रुपए बचे थे, जिसमें पीड़ित व्यापारी कालीचरण व उसकी पत्नी पूनम के खातों से 5,29,000 रुपए निकाले गए। दोनों खाते एक ही नंबर से रजिस्टर्ड थे। कालीचरण के पीएनबी के खाते से 3,00,000 में उनकी पत्नी के एसबीआई खाते से 2,29,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने आश्चर्य जताया कि बिना ओटीपी यूपीआई के कैसे रुपए निकाले गए। पीड़ित व्यापारी के साथ 27 जनवरी की शाम को लूट की घटना हुई थी। उसके बाद व्यापारी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सिम बंद करवाई, जिसके बाद भी ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम लुटेरों ने खाता साफ कर दिया। पीड़ित के खाते से 28 जनवरी को दोनों खातों से 1,99,999 रुपए, फिर 29 जनवरी को 1,99,999 रुपए, 30 जनवरी को 1,29,000 रुपए खाते से निकाले। साइबर फ्रॉड के बाद दर्जनों की संख्या में व्यापारी थाने पहुंचे और पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार युवक मोबाइल को छीन कर भागते नजर आ रहे हैं।
आपके साथ ये जो वारदात हुई है, जो आपके अमाउंट निकला है, इसके बारे में बताया क्या घटना घटी है? मैं 27 तारीख को शाम को करीब कोई 8:15 पर घर से कुंडा मंदिर जा रहा था फोन पर बात करते हुए, तो पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 सवार आए जिन्होंने मेरा मोबाइल छीन कर वो भाग गए। मैंने 28 तारीख को मेरी सुबह सिम बंद करा दी। सिम बंद कराने के बाद 29 तारीख को मैंने मेरी सिम प्राप्त कर ली। मैंने मेरा बैलेंस चेक किया तो मेरा बैलेंस ATM पर पूरा बताया था। 2 तारीख को मेरे पास दुकान पर एक कस्टमर आया, वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा था, तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। मैंने जब उसका देखा तो मैंने मेरा ATM कार्ड ले जाकर ATM पर जाकर मेरा बैलेंस चेक किया, तो मेरा और मेरी वाइफ का जो कि अकाउंट मेरे एक साथ बने हुए थे इसी एक ही नंबर से, तो दोनों अकाउंट वो खाली हो गए। एक मेरे अकाउंट में से 3 लाख रुपये, मेरी वाइफ के अकाउंट में से 2,29,000 रुपये निकाल लिए बिना कोई मैसेज आए, बिना कोई UPI के। पता नहीं किस तरह से मैसेज काटा है, पता नहीं। आपके द्वारा पुलिस को फिर कब रिपोर्ट दी है? जिस दिन मेरा मोबाइल खोया था उस दिन तो मैंने रात को ही ऑनलाइन 10:27 पर रिपोर्ट दे दी थी उनको। एक रिपोर्ट की प्रति मैंने प्राप्त कर ली, एक थाने में दे दी। फिर मैंने कल शाम रात को पैसे जो फ्रॉड हुआ है मेरे साथ उसकी मैंने रिपोर्ट कल शाम को थाने में गोविंदगढ़ थाने में दे दी SHO साहब को। कस्बा अलावड़ा में पिछले एक सप्ताह से भगेरे के पगमार्क दिखाई देने से लोगों में भय छाया हुआ है। विगत 5 दिन में पूर्व पुलिस और वन विभाग कर्मियों ने कस्बे में जगह जगह तलाश की और पगमार्क की फोटो खींच वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी, लेकिन वन विभाग अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शुक्रवार शाम को कस्बे में तिलवाड़ रोड पर रहने वाले हसा मेम की गाय पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे लोगों में भय छाया हुआ है, जिसके चलते किसान रात की लाइट में सिंचाई करने भी नहीं जा रहे हैं। इस बारे में प्रशासन और वन विभाग को सूचित करने पर शनिवार को हल्का पटवारी सोनू मीणा और वन विभाग की तरफ से राजगढ़ क्षेत्र में सेवारत दीनू खान ने घायल गाय को देखा और अज्ञात जानवर के पगमार्क की फोटो खींच वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी। इस बारे में वन विभाग के दीनू खान से पूछने पर बताया कि प्रथम दृष्टया पगमार्क जरक के लग रहे हैं, मैंने उनके फोटो उच्च अधिकारियों को भेज दिए हैं। इधर हंसा खां, फकरू खान, राजेश कुमार, जगदीश सिंह, हरबंस सिंह, हजारी लाल, इसब खान सहित अनेक किसानों की मांग है कि कृषि के लिए रात में दी जाने वाली विद्युत सप्लाई बंद कर दिन में ही दी जाए, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। यदि रात में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए विद्युत विभाग और प्रशासन जिम्मेदार होगा। UCSKM स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 11 के छात्र और छात्राओं के नृत्य की प्रस्तुति दी व उनके द्वारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने हास्य नाटक का प्रदर्शन कर सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम यह मत समझ लेना कि तुम पिंजरे से छूटे हुए पंछी हो, बल्कि एक पेड़ से उड़ान भरने वाले परिंदे हो और वह पेड़ है UCSKM। डॉक्टर कौशिक ने सभी बच्चों को जीवन में मेहनत करके सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हेड गर्ल नव्या कौशिक ने अपनी भावनाओं को सबके सामने दर्शाकर गुरुजनों को भावुक कर दिया। कक्षा 12वीं की छात्रों को अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया। शुभम शर्मा को मिस्टर UCSKM, नव्या कौशिक को मिस UCSKM, मयंक मंडराल को UCSKM आइडल, श्रुति झा को मिस एलिगेंट, पूनम को बेस्ट अटायर, जिया को पॉपुलर परसोना, निधि जांगिड़ को डिजिटल परसोना, कृतिका शर्मा को मोस्ट इनोवेटिव, जतिन कुमार को मिस्टर डेबोनियर एवं सक्षम सिंह को मिस्टर हैंडसम की उपाधियों से नवाजा गया।
तिजारा कस्बे के रेस्ट हाउस महल बाग में भाजपा पार्टी के चलाए जा रहे कार्यक्रम चले गांव की ओर को लेकर तिजारा शाहबाद गैलपुर तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता पर पुष्प अर्पित किए। बैठक में रामकिशन मेघवाल प्रदेश महामंत्री SC मोर्चा ने कहा कि इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की गारंटी वाली योजनाओं से लोगों को अवगत कराकर पार्टी से जोड़ना चाहिए। जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के विधानसभा प्रभारी हर्ष यादव ने भी कार्य योजना के बारे में अवगत कराया। जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर सैनी ने बताया कि कार्य योजना के अनुरूप 24 घंटे एक गांव में रहेगा। भाजपा नेता देशपाल यादव ने भी बताया कि पार्टी का यह कार्यक्रम सफल बनाकर भारतवर्ष में 400 से अधिक सीट लाने का प्रयास रहेगा। इस दौरान शाहबाद मंडल अध्यक्ष विनय पाल यादव, गैलपुर मंडल अध्यक्ष कुलदीप यादव, संयोजक कपिल गुप्ता, सह संयोजक सुंदर चौधरी, कमल पार्षद अनिल बंसल, वीरेंद्र सैनी पार्षद, रविंद्र जाटव, राकेश सैन, रामकिशन मेघवाल, दलीप यादव, राजप्रकाश, NPS अनिल सरपंच, नरेंद्र पटेल, राजकुमार बिसंबर सैनी, जसवंत सैनी, हरि गुर्जर, सुधांशु गौतम आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी ने सभी का आभार व्यक्त किया। नगर निगम अलवर के अधीन सफाई ठेकेदार जहां सफाई व्यवस्था में लगे संविदा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराकर जहां उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कचरा अवश्य उठाया जा रहा है लेकिन कचरे को बिना तिरपाल से ढके अलवर शहर के सड़कों पर बिखेरा जा रहा है। दरअसल सफाई व्यवस्था में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ऊपर तक कचरा भर दिया जाता है लेकिन उस कचरे को बिना तिरपाल से ढके गंतव्य स्थान पर ले जाते हैं। कचरे को तिरपाल से नहीं ढकने के कारण यह कचरा उड़ता हुआ सड़क पर गिर जाता है जिससे सड़क पर गंदगी फैलती है। साथ ही पीछे आ रहे वाहन चालकों को कचरे से अपना बचाव करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सफाई व्यवस्था में लगे संविदा कर्मियों के पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं होते हैं। टपुगड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ATM कार्ड बदलकर वे ATM हैक कर रकम निकाल लेते थे। टपुगड़ा थाना अधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि कल शाम सूचना मिली थी कि बाईपास SBI के सामने ATM बदलने वाले दो बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अपना नाम तौफिक पुत्र फारूक निवासी मालुका उटावड़ हरियाणा व मुन्ना खान पुत्र अनवर खां निवासी कुशीनगर UP होना बताया, जबकि उनके अन्य दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों से 45 ATM कार्ड बरामद किए व एक पुरानी स्विफ्ट कार जब्त की। कार मुन्ना खां के नाम से रजिस्टर है। अन्य दो साथी शकील व अंकित शर्मा तिजारे निवासी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिनकी तलाश की जारी है। पुलिस पूछताछ में तौफिक व मुन्ना खान ने भिवाड़ी, मानेसर, गुरुग्राम आदि कई शहरों में वारदात करना कबूल किया। बदमाश ATM को हैक कर कार्ड बदलकर ATM से रुपए निकाल लेते थे। कल शाम को गोपाली चौक के पास सूचना मिलती है कि एक ATM बदलने वाली गैंग जो कि कई दिनों से सक्रिय है, वो टपुगड़ा थाना क्षेत्र में घूम रही है, तो उस गैंग के ऊपर आमजन की मदद से दो लोगों को हमने मौके पर डिटेन किया, जिनमें से एक आदमी का नाम तौफिक पुत्र फारूक मालुका गांव का रहने वाला उटावड़ थाना इलाके में, और दूसरे का नाम मुन्ना खां पिता अनवर खां कुशीनगर जिला पटना UP का, हाल तुगलकाबाद दिल्ली का। इन दोनों लोगों को हमने मौके से गिरफ्तार किया है और इन दोनों के पास हमें 45 ATM अलग अलग बैंकों के मिले हैं और एक गाड़ी इनके साथ हमने जब्त की है। तो स्विफ्ट डिजायर पुरानी है HR55AH2719, मुन्ना के नाम रजिस्टर्ड है और इनके दो साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जो कि इन्हीं की गैंग के सदस्य है, जिनमें एक का नाम शकील है और दूसरे का नाम अंकित शर्मा तिजारा का रहने वाला। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा कई वारदातें कबूल करना पाया गया। भिवाड़ी, मानेसर, गुड़गांव, कई वारदातें इन्होंने कबूल किया। इनके खिलाफ उन्होंने कई मुकदमे भी ATM बदली संबंधी, तो इनसे भी लगातार अनुसंधान जारी है। अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है। कितने टाइम से काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी, अभी भिवाड़ी क्षेत्र की भी इन्होंने वारदातें कबूल की है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है।
धन्यवाद। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर परिजनों ने एसपी आवास के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। परिजनों ने बताया कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 8 माह पहले 2 जनों ने 14 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरे आरोपी दिल्ला को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले में 2 आरोपी थे, लेकिन पुलिस ने 1 आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को राजनीतिक संरक्षण के तहत नहीं पकड़ा गया और वह खुलेआम घूम रहा है। उसी को लेकर पीड़िता के परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले से अवगत कराया और कहा कि खुलेआम घूम रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मामले में डीएसपी ने एफआईआर लगा दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी से मामले को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दे दिया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 2 जनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली, किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई तो रामगढ़ पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। बालिका का मेडिकल करा पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता का चाचा ने मामला दर्ज कराया कि आरोपी इरफान और दिल्ला मेव ने उसकी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। सर आज से सर 8-9 महीने पहले हमारे सनेटा गांव में हमारी सर 14 वर्षीय बालिका के साथ में 2 लड़कों ने सर बलात्कार किया था। सर उसमें से 1 आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि सर दूसरा आरोपी राजनीतिक शरण के कारण सर पिछली जो कांग्रेस सरकार रही थी उनकी वजह से सर वो खुला घूम रहा है। और जो डीएसपी महोदय रामगढ़ हैं उन्होंने सर जांच को झूठा करके उसे सर 31 जनवरी को सर एफआईआर लगा दी मामले में। और उसे घर आने के बाद में कल हमारे ऊपर पथराव हुआ हमारे घर पे। सर मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ सर हमारे सर मदद करें और सर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। अब आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या बात हुई? सर वैसे तो एसपी साहब को हमने पहले भी 4-5 दफ़ा एप्लीकेशन दिए थे, उसमें भी सर वैसे जांच जो है हम संतोषजनक नहीं हुई, लेकिन सर एक बार फिर एसपी साहब ने बोला है कि ठीक से जांच होगी और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं सर, अगर फिर भी नहीं होती है तो सर हम पूरे परिवार के साथ में सर आत्मदाह करेंगे एसपी साहब के आवास के सामने। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के बच्चों का राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत 2 सत्रों में मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम सत्र में दिल्ली से आए वैज्ञानिक एसआर मीना व प्रधानाचार्य सत्यपाल सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा वैज्ञानिक एसआर मीना प्रधानाचार्य सत्यपाल सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया व वाइस प्रिंसिपल अंजू यादव का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक एसआर मीना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 10 और 12 उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का यदि समय रहते मार्गदर्शन कर दिया जाए तो उनका कौशल विकास संभव हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह बच्चों का सरकारी नौकरी से ही विकास हो सकता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को अपना भविष्य बनाने के अवसर मिल सकते हैं। जरूरत है तो इतनी कि अध्ययनरत बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। इस दौरान एसआर मीना ने बच्चों को उच्च शिक्षा अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के बारे में अपने अनुभव साझा किए। दूसरे सत्र में कस्बे के मेडिकल का अनुभव रखने वाले सुंदरलाल सैनी, ई मित्र संचालक धर्मेंद्र सैनी, बिजली फिटिंग रोजगार करने वाले राजेंद्र शर्मा, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली काजल, फर्नीचर कार्य करने वाले कृष्ण जांगिड़ और नल फिटिंग रोजगार करने वाले विष्णु ने अनुभव रखने वाले युवाओं ने छात्रों को शिक्षा के साथ और शिक्षा के बाद अपना व्यवसाय चलाने के अपने अनुभव साझा करते हुए विचार साझा कर बच्चों का प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गदर्शन किया। इस दौरान व्याख्याता अनिल शर्मा, राम सिंह, नरेंद्र हजरती, दिनेश मीना, अयुब खान, इस्माइल खान, हर्षित गेरा, उत्कर्ष बंसल, कीर्ति सहित अध्यापक और स्टाफ मौजूद रहा। कि होशियार नाम की कोई चीज होती है, इंटेलिजेंसी नाम कोई चीज होती है, हम ये जस्ट हमारी एक काल्पनिक चीज है जबकि हकीकत में है नहीं। अब
शाम मतलब 2-3 दिन पहले से प्लान किया तो मैं आ गया। अब इसमें बताइए, अब प्लान नहीं बनता तो चाहे मेरे पास गाड़ी घोड़े हो, चाहे मेरे पास कितना भी छुट्टी टाइम हो, नहीं आ सकता था। तो प्लानिंग, जहां प्लान बना लो आप, उसमें किसने रोका है? अंग्रेज तो 1947 में भगा दिए, अब किसी के अधीन थोड़ी है। आप फ्री हो, फ्रीली सोच तो सकते हैं ना भाई। हमें यहां से कोई अलवर भी नहीं जाने देता, लेकिन अमेरिका जाने की। मेरा नाम सीताराम मीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। आज मुझे यहाँ लावड़ा की स्कूल में आकर बच्चों को मोटिवेशन देकर बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली यही बात है कि गाँव में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं, बस इन बच्चों को दिशा देनी है, दशा फिर सुधरेगी। और ये इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, इनको उच्च शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनको पनपाने के लिए बच्चों से इंट्रैक्शन करना होगा, तब जाके जो जनरेशन गैप है उसको कम करेंगे तो हमारे बच्चों में असीम संभावनाएं हैं। यकीनन वो प्रतिभाएं उभर के बाहर निकलेंगी। और ये अकेले बच्चों का युद्ध नहीं है, ये हमारा मिला जुला है। और हम ही नहीं बच्चों को बताएंगे तो कौन बताएंगे? तो जो अच्छाई, जो इनोवेशन चीज़ है जो हम बाहर देश दुनिया में देखते हैं, एक बार हम सभी युवाओं को जो बाहर इस तरह से कुछ जॉब करते हैं, इंडस्ट्री में है, उद्योग धंधे में है, वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि बच्चे बातों बातों में सीखते हैं और वो फिर वो अपने जीवन में ढालते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज गुरुजी ने मुझे यहाँ आकर बच्चों को, सीनियर क्लास के और सीनियर स्कूल के सारे बच्चों के साथ, उच्च शिक्षा में क्या संभावनाएं होती हैं, किस तरह से हम पढ़ाई से अपना राष्ट्र निर्माण और अपना खुद का विकास कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस बताया। और बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मुझे मौका मिले और बच्चों को गाइडेंस करें। यकीनन हमारे बच्चे न सिर्फ गांव का नाम रोशन करेंगे, बाकी पूरे देश और समाज का नाम रोशन करेंगे और देश विकास में अपनी भूमिका भागीदारी देंगे। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार एवं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष ईश्वर सैनी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा प्रभारी रोहिताश चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी मंडल भिंडूसी एवं जेरोली में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार एवं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष ईश्वर सैनी, रामफूल गुर्जर, संदीप यादव, रुस्तम खान, मंगत राम मेघवाल, सदाम एमपीएस, संतलाल शर्मा, सुमेर मेघवाल, सुभाष पंच, नूर मोहम्मद मास्टर, बालकिशन सैनी प्रधान, सूबेदार फूल सिंह, बख्शानंद भारती एवं समस्त कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल जिले के किशनगढ़ बास मंडी में स्थित 3 फर्मों की दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 5.5 लाख रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए। फर्म हेतराम एंड कंपनी के पदम चंद गोयल, महेश चंद तेज प्रकाश के उमेश चंद जैन एवं नानक चंद धीरज कुमार के मालिक
धीरज ने किशनगढ़ बास थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उनकी अनाज मंडी में कमीशन एजेंट की दुकान है। दुकान नंबर 2 हेतराम एंड कंपनी पदम चंद के नाम से है। इस दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर 7,000 रुपए निकालकर ले गए। इसके बाद दुकान नंबर 3 नानक चंद धीरज कुमार की दुकान का ताला तोड़ दिया, लेकिन यहाँ चोरों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। महेशचंद तेज प्रकाश की दुकान का ताला तोड़ दुकान में घुसकर अलमारी और गल्ले का ताला तोड़कर चोर 5,35,100 रुपए की नकदी पार कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना तथा सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर जोन से निकला हुआ 2.5 साल का बाघ ST-2303 मुंडावर उपखंड के आसपास के गांवों में लगातार घूम रहा है। आज शनिवार सुबह गांव रायपुर में नील गाय का शिकार किया। सरिस्का का टाइगर करीब 2 माह से जंगल से बाहर है। 18 जनवरी से टाइगर के पीछे वन कर्मियों की टीम है। जब भिवाड़ी के खुशकेड़ा के निकट किसान पर टाइगर ने हमला किया, इसके बाद वनकर्मी टाइगर के पीछे पीछे हैं। जहां भी पगमार्क मिलते हैं टीम वहीं पहुंच जाती है और टाइगर आगे निकल जाता है। हरियाणा के रेवाड़ी के आसपास से टाइगर को वापस लाया गया है, जो अब बफर जोन के जंगल से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। पहली बार टाइगर का खाया पशु मिला 18 जनवरी के बाद। टाइगर हरियाणा के रेवाड़ी तक पहुंच गया था। वहां बॉर्डर के गांव में एक वनपाल पर हमला किया, लेकिन वनपाल बच गया, जो गंभीर घायल हो गया। इसके बाद टाइगर को हरियाणा से अलवर की सीमा की तरफ लाया गया। इस समय खेतों में सरसों होने के कारण टाइगर की साइटिंग बहुत कम जगहों पर हुई है। अधिकतर पगमार्क के आधार पर टीम पीछे है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार में गणेश गुवाड़ी के 2 मंदिरों से चोर घंटेश बासुरी घड़ियाल सहित दान पात्र तोड़कर नकदी ले गए। एक मंदिर से करीब 11,000 रुपए की नकदी थी, दूसरे मंदिर से सामान चुरा ले गए। रात करीब 2 बजे के आसपास चोरों की आवाज सुनी तो पड़ोसी ने शोर मचाया। चोर बोरों में सामान भरकर ले जाते नजर आए। गणेश गुवाड़ी के मंदिर के पंडित विष्णु दत्त तिवाड़ी ने बताया कि चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा, 2,500 रुपए अलमारी से और दान पात्र तोड़कर 9,000 ले गए। इसके अलावा मंदिर से मुकुट बांसुरी घंटे व घड़ियाल सहित कीमती सामान चोरी हो गया। 31 जनवरी की रात करीब 2 बजे के आसपास चोर मंदिर में घुसे थे। पड़ोसी को पता चला तो शोर मचाया। इसके बाद मंदिर आकर देखा तो कीमती सामान व नकदी नहीं मिली। पंडित ने बताया कि मैं कहीं पर फेरे कराने गया था, जैसे ही चोरी का पता लगा तब रात को ही मंदिर आया, तब तक चोर जा चुके थे। बुद्ध विहार में ए ब्लॉक मंदिर के पुजारी रामबाबू शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी को सुबह 4 बजे पूजा करने आया तो मंदिर का सामान बिखरा मिला। अंदर देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति, घंटी, घड़ियाल, पीतल की कटोरी सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। चोरों का पता नहीं चला, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मेरा साहब विष्णुदत्त तिवारी नाम है, गणेश नगर मंदिर का मैं पुजारी हूँ। यहाँ 31 तारीख को रात को करीबन 2:30 बजे अज्ञात चोर आए। उन्होंने अपने दान पात्र का लॉक तोड़ दिया, अलवारी का ताड़ा तोड़ दिया। दान पात्र में से करीब 9,000 रुपए थे। हमारे अभी लेटेस्ट में 29 तारीख को यहाँ भंडारा हुआ था, कुछ लोगों ने इसमें पैसे डाले थे। वो पैसे थे करीबन 9,000 रुपए और अलवारी में रखे करीबन 2,500 रुपए, मुकुट बांसुरी, घंटी, झालर, घड़ियाल, उनको चोर ले गए। अच्छा, ये आपको कब पता लगा? ये साहब हमको उसी समय पता लग गया, 2:30 बजे रात को। हमारे 3 बजे वकील साहब, मंदिर के पड़ोस में मकान है, वकील साहब ने जब आवाज़ सुनी तो उन्होंने बाहर निकल कर देखा, अज्ञात चोर चोरी कर रहे थे। उन्होंने हल्ला किया, प्रेजेंट में निहाल जी को फ़ोन भी किया, निहाल जी यहाँ आए थे। निहाल जी ने फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं उस समय फेरे पार रहा था। फेरों में से मैं छोड़ के इधर आया मंदिर पे, तो वो चोर भाग चुके थे, कट्टों में कट्टों में सामान लेके भाग गए। तो लगभग ये कैश के अलावा कितने रुपये का सामान ले गए होंगे?
कैश के अलावा साहब वो झालर थी, घंटी थी, करीबन और 4-5 हज़ार रुपये का माल होगा और 5 हज़ार। अच्छा, उसको ले गए, कैश को ले गए। ठीक है। मैं सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए जब आया यहाँ तो देखा सारा सामान फैला हुआ है, ताला तोड़ के गिरा रखा है। देखा यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति गायब है, एक तांबा का कलशा गंगा सागर गायब है, प्रसाद लगाने की 2 तांबा की प्लेट, 2 पीतल की कटोरी, 2 घड़ियाल बजाने की, सब सामान गायब था, सब सामान फैला हुआ था। FIR ने लेट कैसे कराई? FIR तो खबर करने में यहाँ से वहाँ खबर की, फिर बोले ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ, आने जाने में फिर मैं अपाहिज हूँ, मेरे से चला फिरा नहीं जाता, इसलिए फिर वो लिख कर देने में फिर यहाँ आए वो पुलिस वाले इंक्वायरी करने, फिर देखते गए, फिर दोबारा फिर बुलाए, अब आज फिर जाना है, बोले आज आओ आप। कुछ पैसे ऐसे भी गए? कुछ पैसे 10-20 रुपये रखा हुआ, मैं देखा नहीं, 4 बजे आया था सुबह, ज़्यादा नहीं होंगे पैसे, नहीं थे ज़्यादा, 10-20 रुपये पड़े होंगे। ठीक है। राजस्थान के कई जिलों की पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर का पीछा कर रही थी, उनको गोविंदगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना जालू की निवासी आरोपी राजेंद्र पुत्र वेद प्रकाश उर्फ वेदराम मीणा, वकील पुत्र जगदीश मीणा निवासी मीणा का नंगला सिरथला थाना जालूकी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग रात्रि को गोविंदगढ़ में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसके बाद टीम का गठन किया, पुलिस टीम को शातिर चकमा देकर भागने लगे। पुलिस टीम ने कई किलोमीटर दूर पीछा कर दोगड़ी के जंगलों में शातिरों को पकड़ा। हिस्ट्री सीटर हार्डकोर अपराधी थाना गोविंदगढ़ के 2,000 रुपए का इनामी वारंटी आरोपी राजेंद्र व वकील को अवैध हथियार 12 बोर देसी कट्टा में 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजेंद्र मीना अव्वल दर्जे का शातिर वाहन चोर हथियार तस्कर है, जो कि गोविंदगढ़ पुलिस थाने का स्थायी वारंटी है। इसके खिलाफ अलवर, दौसा, डी, भरतपुर, जयपुर के विभिन्न थानों में 3 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज है। अन्य पुलिस थानों को भी सूचित किया गया है, प्रकरणों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में मुख्य सूचना कांस्टेबल राजेश की रही। आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना अधिकारी हितेश शर्मा, हंसा उल हक हेड कांस्टेबल राजेश यादव, बनवारी रजनीश, देवेंद्र विजय कुमार, भरत सिंह, राजेश यादव शामिल रहे। आज दिनांक को हमारी टीम को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं जिनके पास हथियार हैं और बदमाश भी हैं, कई इलाकों के वांछित टाइप के, सूचना मिली है हमको, जिसपे अंसारुल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल राजेश और टीम गई थी कार्रवाई करने के लिए। विशेष रूप से सूचना कांस्टेबल राजेश की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज 2 लड़कों को पकड़ा है, जिनमें से एक का नाम राजेंद्र मीणा, सनो वेदराम निवासी मीणा का नगला थाना जालुकी का है, और दूसरा वकील नाम का लड़का है। राजेंद्र के पास में एक देसी कट्टा मिला है अवैध, और वकील के पास में 2 राउंड मिले हैं। जानकारी की गई तो इस बात सामने आई कि राजेंद्र के विरुद्ध पूर्व से करीबन 35-36 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, वाहन चोर है बड़ा, हथियारों के और कई सारे प्रकरण, लूट डकैती टाइप के प्रकरणों में रहा है, साथ ही वकील के भी शायद मुकदमे हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है आज दिनांक को। और हमने जांच की तो इसके विरुद्ध हमारे थाने में भी स्थायी वारंटी था इस थाने गोविंदगढ़ का, इसके अलावा और जिलों में हमने मैसेज करवाया, वहाँ भी शायद इसके विरुद्ध कई सारे वारंट पेंडिंग चल रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है, सबको मैसेज कर दिया गया इस बात के लिए। जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा द्वारा राजस्थान के सभी जलदाय विभाग कार्यालयों में साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में साफ सफाई, रंग रोगन, JCB से झाड़ियों को हटाना और पेड़ों को छंगारने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा साफ सफाई अभियान के तहत लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज पड़े पड़े खराब हो गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस रिकॉर्ड दस्तावेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब विभाग में साफ सफाई का अभियान शुरू हुआ तो कमरों की सुध ली गई और पुराने दस्तावेजों को हटाकर कुछ रिकॉर्ड को रख लिया और कुछ आग के हवाले कर दिया। कुछ दस्तावेज फाइल झाड़ियों में पड़ी हुई दिखाई दी। अधिकारियों से जब दस्तावेज जलाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पुराना रिकॉर्ड है जो खराब हो गया है। चीफ
मुख्य अभियंता NCR ललित करोल ने बताया कि विभाग के सचिव समित शर्मा ने निर्देश दिए 3 दिन के लिए राज्य के कार्यालय में रखे रिकॉर्ड की बाइंडिंग करना, कमरों की साफ सफाई, बिल्डिंग में रंग रोगन करवाने के लिए अभियान चलाया हुआ है, उसी को लेकर जलदाय विभाग के सभी कर्मचारी द्वारा साफ सफाई की जा रही है। जब उनसे सरकारी दस्तावेज जलने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए नियम बना हुआ है कि सरकारी रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जाता है, उसके वाइडिंग के नियम बने हुए हैं, उस समय के हिसाब से उस रिकॉर्ड को एक समय के लिए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हमारे सचिव महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार 3 और 4 तारीख को और 5 तारीख के लिए एक विशेष अभियान के तहत राजकीय कार्यालयों में जो पुराना रिकॉर्ड था उसकी बीडिंग करना, उसकी बाइंडिंग करके उसको अलग करना, प्लस पुराने फर्नीचर को अलग करना, उसके बाद में सभी कमरों के अंदर सफाई करना और उसको व्यवस्थित रूप से सब बैठने की और सीटिंग की ऑफिस का सारा अरेंजमेंट व्यवस्थित रूप से करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे यहाँ अलवर के अंदर भी NCR जो एडिशनल चीफ ऑफिस है, SC ऑफिस है, हमारे एक्शन साहब सिटी वालों का ऑफिस है, इन सब कार्यालयों का यहाँ कैंपस है मनु मार्ग के अंदर, उसके अंतर्गत ये इस अभियान के तहत ही हम पिछले 2-3 दिन से इसमें अभियान में लगे हुए हैं। पहले से हम काम कर रहे थे और कल से हम विशेष रूप से कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन में इसको संपूर्ण रूप से सारे कार्यालयों को इसमें वाइट वाश की जगह वाइट वाश करके, छोटी मोटी रिपेयरिंग करके, बिना कोई बहुत मेजर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के जो भी काम हमसे सफाई से संबंधित और कार्यालयों को व्यवस्थित रखने से संबंधित हो सकते हैं, उस सब के लिए सारा स्टाफ, PhD का स्टाफ, नीचे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के और बड़े से बड़े अधिकारी तक सब मिलजुल करके इस अभियान में जुटे हुए हैं, कर रहे हैं काम और इसको सफल बनाने के लिए सभी तत्पर। अभी सर क्या बोलते, किसी ने कोई शिकायत वगैरह करी है, क्या है ऐसा कोई मसला आया है कि जैसे अपना कोई रिकॉर्ड है उसको अपन ने जला दिया है, सब मसला है क्या है? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, सरकारी प्रक्रिया है पुराने रिकॉर्ड को उसको मेंटेन रखने की और उसके लिए एक नियम बने हुए हैं कि कितना रिकॉर्ड कितने समय तक व्यवस्थित रखा जाता है, उसके बाद उसकी वीडिंग के लिए नियम बने हुए हैं कि उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, उन नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम और पद क्या है? मैं ललित करोल हूँ, एडिशनल चीफ इंजीनियर अतिरिक्त मुख्य अभियंता NCR अलवर। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बाइक चोरों के सक्रिय होने से बाइक चोरों द्वारा बाइकों को चोरी करने का सिलसिला जारी है। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग चौराहे पर स्थित नाले में एक बाइक के पड़े होने की सूचना पर नाले के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक के नाले में पड़े होने की सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा पालिका कर्मी जुगनू तंबोली को बुलाकर रस्सियों की सहायता से नाले से बाइक को निकालकर बाइक को राजगढ़ पुलिस थाने पर पहुंचाया गया। गौरतलब रहे कि आसपास क्षेत्र के कुछ समाज कंटक वाहन चोर दिन भर चोरी करने की फिराक में घूमते रहते हैं तथा ऐसे युवकों द्वारा मौका पड़ते ही बाइक सहित अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। खैरतल दांतला बाईपास हीरो शोरूम के पास स्थित घर में गैस सिलेंडर लीकेज
होने से कमरे में लगी आग से कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर नगर परिषद खैरतल की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से किरायेदार महेश का सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हरसोली कस्बे में स्थित श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों ने SUPW कैंप के समापन के अवसर पर खेलकूद गतिविधियां का आयोजन किया गया। कैंप कोऑर्डिनेटर अशोक यादव ने बताया कि विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेटर द्वारा सर्वप्रथम विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के उद्देश्य एवं नियमों से अवगत कराया। महाविद्यालय चेयरमैन RP यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को अपने जीवन में खेलों को एक अहम स्थान एवं खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार तनेजा ने विद्यार्थियों को अपने जीवन में खेल को अपनाने का मूल मंत्र दिया तथा खेलों में अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इस समापन समारोह में जलेबी दौड़, नींबू चम्मच दौड़, गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता आदि खेलों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक खेल में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। समापन समारोह में ग्रुप इंचार्ज सुरेंद्र यशवंत, लोकेश संदीप कश्मीर, अनीता, पूजा, सुनीता आदि उपस्थित रहे तथा अपने अपने ग्रुप को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कैंप के सफल आयोजन में व्यवस्थापक रुगेंद्र, वकील तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ उदय, मनोज, श्यामलाल एवं अनिल की अहम भूमिका रही। शेखपुर थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकट शराब बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेखपुर SHO हरदयाल सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम में वांछित आरोपी रिंकू सिंह पुत्र दलीप सिंह राय सिख निवासी माजरा पीपली की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर ग्राम माजरा पीपली स्टैंड पर पहुंचकर मुलजिम रिंकू सिंह का पीछा कर दस्तयाब कर थाने लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नौगावा तहसील में मुबारकपुर मोड़ पर पिछले 2 माह से CC सड़क बनाने का काम चल रहा है। दिसंबर माह में सड़क निर्माण कंपनी PRL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा पूर्व में बनी सड़क को मशीनों की सहायता से उखाड़ना प्रारंभ किया, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी मात्र 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई। सड़क निर्माण की इस सुस्त चाल से दुकानदारों में भारी आक्रोश है। अधूरे सड़क निर्माण के कारण मुबारकपुर रोड पर कीचड़ हो रहा है। सड़क पर चिकनी मिट्टी होने के कारण फिसलन बनी हुई है। स्कूल जाने वाले बच्चों, मंदिर जाने वाली महिलाओं, पैदल और बाइक सवार यात्रियों के लिए इस सड़क पर चलना दूभर हो गया है। रोजाना कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल होते हैं, जिससे उनके मोबाइल व कपड़े भी खराब हो जाते हैं। मुबारकपुर रोड स्थित दुकानदारों ने कहा, पिछले 2 माह से परेशान है कीचड़ की वजह से, ग्राहक रुकते ही नहीं, ऐसे में हमारे सामने कमाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। 19 जनवरी को RSRDC के DGMRK लुथरा के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव एवं सहायक अभियंता अलवर ने मौके का निरीक्षण भी किया, जिसके उपरांत 2 दिन तक कार्य सुचारू रहा, फिर बंद कर दिया गया। स्थिति जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं होने से ठेकेदार मनमर्जी से सड़क निर्माण कर रहा है। लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री भी उपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं मुबारकपुर में भी आज सड़क निर्माण में अनियमितता देखने को मिली। एक तरफ सड़क बनाने के बाद उसके साथ पटरी बनाई जाती है, जिससे वाहन आसानी से निकल सके, लेकिन ठेकेदार के द्वारा बिना पटरी निर्माण किए दूसरी तरफ भी सड़क बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे मौके पर जाम की स्थिति हो गई और वाहन चालक उलझते नजर आए। राजगढ़ में अलवर सिकंदरा सड़क मार्ग पर स्थित चंद्र सिंह की ढाणी में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। ग्रामीणों व
एम्बुलेंस की सहायता से घायल को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। घायल बलराम बैरवा पुत्र रामोतार बैरवा निवासी जाम डोली को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। कालवाड़ी ग्राम पंचायत के गांव कुटीन मंशा दास के मुख्य रोड भनोखर से कालवाड़ी होते हुए खेडली मार्ग के दोनों ओर से एएन शिवराम मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार के करीब 3 साल पुराना कच्चा पक्का व कीचड़ युक्त अतिक्रमण प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से हटवाया गया। सरपंच रमेश मीणा ने बताया कि पंचायत समिति कठुमर की ग्राम पंचायत कालवाड़ी के गांव कुटीन मंशा दास के मुख्य रोड से कच्चे पक्के चबूतरे व अस्थायी अतिक्रमण और कीचड़ युक्त रोड को जेसीबी की सहायता से साफ कराया गया, जिसमें आम राहगीरों ने राहत महसूस की। इस दौरान ग्रामीणों ने भी सहयोग किया और कुछ लोगों से समझाइश कर अतिक्रमण हटवाया। इस मौके पर कालवाड़ी सरपंच रमेश चंद मीणा, हंसराज मीणा, सरपंच नत्थीलाल मीणा, सालवाड़ी व पटवारी यादराम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी लेखराज गुर्जर सहित कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। सनद रहे कालवाड़ी सरपंच रमेश मीणा ने कठुमर पंचायत समिति सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में कुटीन मंशा दास को अतिक्रमण का मामला कई बार उठाया था। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने हरसोली रोड खैरतल स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई संख्या 670 का प्रातः औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान समय तक कुल 9 लाभार्थियों द्वारा भोजन प्राप्त किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाने पर उन्होंने रसोई मालिक को गुणवत्ता सही करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त रसोई में भोजन ग्रहण कर रहे लाभार्थियों से वार्तालाप कर भोजन की गुणवत्ता का फीडबैक लिया। रसोई भवन पर राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का किसी भी प्रकार का बैनर आदि नहीं मिलने पर अन्नपूर्णा रसोई के मालिक को बैनर लगाने के निर्देश दिए। नगर परिषद के द्वारा दिया गया वाटर कूलर को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को अन्नपूर्णा रसोई में मिली कमी को निस्तारित कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी सहित तिजारा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां तिजारा और भिवाड़ी शहर में रोजाना 3 से 4 बाइक सहित अन्य बड़ी गाड़ियां चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं बदमाश अब ग्रामीण इलाकों में भी घरों के अंदर और बाहर खड़ी बाइकों को चुरा कर ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक बाइक तिजारा के बाइक गाँव में स्थित एक फार्म हाउस से बदमाश चुरा ले गया। बामनहेड़ी के रहने वाला तारा सिंह पुत्र बच्चन सिंह राय से ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने कृषि कार्य करने के लिए दयालचंद चावला का कृषि फार्म ठेके पर ग्राम बाई तिजारा में ले रखा है। इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। गत 27 जनवरी को रात करीब 1 बजे वह सो रहा था और मोटरसाइकिल मकान के सामने खड़ी थी। जब वह सुबह उठा तो मोटरसाइकिल गायब थी। आसपास के लोगों से जानकारी लेने पर भी मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि रात के समय एक बदमाश मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसे चोरी करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बदमाश ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और चोर की पहचान की जा रही है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करने जा रहे एक युवक की टेम्पो पलटने से मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 6-7 लोग घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार करवाकर रेफर कर दिया गया। मृतक बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला है और तावड़ू थाना क्षेत्र के
खोरी गांव की एक कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर परिवार सहित रहता था। हादसे की जानकारी मिलने पर परिवार में मातम छा गया। मृतक की पत्नी के रोने की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद लोग भी गमगीन हो गए। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक स्टील प्लांट में काम करने के लिए तावड़ू के खोरी कला से श्रमिक ऑटो से रोजाना आते थे। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर पर चालक ने असंतुलन खो दिया और ऑटो पलट गया, जिससे उसमें बैठे श्रमिक उसके नीचे दब गए। ऑटो में सवार बिहार के मुंगेर निवासी 40 वर्षीय अजीत कुमार पुत्र बचनेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल लाया गया। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची खुशखेड़ा थाना पुलिस ने भिवाड़ी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिवार में पत्नी उषा के अलावा 5 पुत्र पुत्रियां हैं। मृतक की पत्नी उषा व बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। उषा ने बताया कि ठेकेदार उनके पति का ईएसआई काट रहा था, लेकिन कार्ड बनाकर नहीं दिया है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की पंचायत समिति के विकास अधिकारी समुद्र सिंह आज ऑफिस समय में चैंबर से नदारद पाए गए। जबकि पंचायत समिति ऑफिस खुलने का समय सुबह 9:30 बजे का है। जिले भर के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑफिस समय में नहीं पहुंचने और ऑफिस समय से पहले ही चले जाने से प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के 25 जनवरी 2024 के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज मालाखेड़ा के सीएचसी श्याम गंगा के पीएचसी एवं महुआ खुर्द बिलंदी बाढ़ बिलंदी के राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मालाखेड़ा के सामुदायिक चिकित्सालय एवं श्याम गंगा के प्राथमिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा मरीजों से बातचीत कर चिकित्सालय की सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए चिकित्सालय में दवा उपकरण आदि की पर्याप्त आपूर्ति रखे, साथ ही चिकित्सालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। उन्होंने मालाखेड़ा सीएससी के निरीक्षण के दौरान पुराने भवन एवं आयुर्वेद चिकित्सक कक्ष के प्लास्टर झड़े होने पर बीसीएमएचओ को निर्देशित किया कि एनएचएम के माध्यम से मरम्मत आदि के प्रस्ताव बनाकर विभाग को भिजवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संभवतः मरीजों का इलाज सीएससी में ही किया जाए, विशेष परिस्थितियों में मरीजों को उचित चिकित्सालय में रेफर करें। उन्होंने मालाखेड़ा निरीक्षण कर थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गश्त करे, आमजन की परिवेदना को संवेदनशीलता के साथ सुनकर अपराधियों पर कार्रवाई करे, अवैध खनन एवं निर्गमन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पुलिस एवं संबंधित विभाग मिलकर निरंतर कार्रवाई करे। इसी प्रकार प्रशासन एवं पुलिस मिलकर संयुक्त अतिक्रमण के प्रकरणों पर कार्रवाई करे। उन्होंने महुआ खुर्द बुलंदी व बाढ़ बुलंदी के राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ कठिन विषयों एवं कमजोर विद्यार्थियों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छे परिणाम के लिए बोर्ड की परीक्षाओं के मॉडल पेपर विद्यार्थियों से हल करवाएं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक व मानसिक क्षमता में वृद्धि के लिए रचनात्मक खेलकूद आदि गतिविधियां करवाएं। उन्होंने पोषाहार वितरण की व्यवस्था को देखकर निर्देश दिए कि पोषाहार की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, विद्यालय एवं शौचालयों में साफ सफाई नियमित रूप से हो। इस दौरान उपकरण अधिकारी देवी सिंह, तहसीलदार राकेश जैन, थानाधिकारी मालाखेड़ा मुकेश मीणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
खेड़ली नगर पालिका में कठुमर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान के नेतृत्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं फ्लैग मार्च शाम 7 बजे से खेड़ली थाना पुलिस ने कठुमर रोड, हिंडोन रोड, पुरानी अनाज मंडी, बजाजा बाजार, जवाहर चौक व स्टेशन रोड सहित पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान थाना प्रभारी महावीर प्रसाद सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में स्थित पंचायत समिति कार्यालय में शुक्रवार को पंचायत समिति कार्मिकों की समीक्षा बैठक के दौरान सहायक लेखा अधिकारी ने विकास अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। विकास अधिकारी सुरेश कुमार बलाई ने बताया कि सुबह ऑफिस में देर से आने वाले कार्मिकों की मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले कुमार शुगर की बीमारी से पीड़ित था। 29 जनवरी को शाम को जेल आया था। 30 जनवरी को साय 3 बजे उसकी तबीयत खराब हुई थी। किशनगढ़ अस्पताल लेकर गए, 1 घंटे उपचार देने के बाद चिकित्सक ने छुट्टी दे दी। 31 जनवरी की रात को करीब 12 बजे उसने जोर से आवाज की, उसकी तबीयत खराब। देखते हुए ड्यूटी स्टाफ उसे किशनगढ़ अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। Audio